बहुत कम लोगों को ही इस बात की जानकारी है कि 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दांतों के रोग भी हमें बड़ी शारीरिक मुसीबत में फंसा सकते हैं। दांतों में सड़न, कीड़े लगना जैसी समस्या मुंह में मौजूद एसिड के कारण होती है। इस वजह से दांतों के इनेमल खोखले होने लगते हैं और यही कारण है कि कैविटी का निर्माण होता है। इसके अलावा मुंह में मौजूद बैक्टीरिया दांतों की सतह पर जमा होने लगते हैं, जिसे प्लाक कहा जाता है। यह प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया आपके खाने में मौजूद शुगर एवं कार्बोहाइड्रेट को अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इसी अम्ल के कारण दांत खराब होने लगते हैं। कुछ सावधानियों के माध्यम से हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणव मेहरोत्रा ने बताया कि छोटे बच्चों को चॉकलेट, टॉफी और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करना चाहिए। साथ ही साथ लोगों को तंबाकू और नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। मीठे पदार्थों का कम से कम सेवन करें। आयल पुलिंग कैविटी को कम करने के साथ साथ मसूड़ों से खून बहना और सांस की बदबू को भी दूर करता है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ को अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि यह आपके दांतों में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता करता है। खासकर अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणव मेहरोत्रा ने कहा, यह दांत के इलाज में सबसे ज़्यादा सोल्यूशन इसी का दिखता है। सही बता रहे हैं हम, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्ब्रश करना चाहिए, दांत के एक एक कोने में सफाई होनी चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं फंसे हो, और हल्के हाथ से ब्रश करना चाहिए। बहुत कस के ब्रश नहीं करना चाहिए ताकि दांत ना घिसे। इसमें दांत में कैविटी है जो नीचे इन्फेक्शन बना देता है। ऐसे दांतों को उखाड़ना नहीं होता है, इसको आप RCT करके बचा सकते हैं। कोई दांत में कैविटी हो जाए तो फिलिंग करके भी हो सकता है, और अगर ज़्यादा खराब हो जाए तो आप RCT करा के करा सकते हैं, अदरवाइज दांत निकालना पड़ जाएगा। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, तो कायदे से आज से सबको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि छोटे बच्चों को टॉफ़ी, चॉकलेट्स या जो भी स्टिकी चीज़ें हैं वो अवॉइड करना चाहिए। दो टाइम ब्रश कराना चाहिए। छोटे बच्चों से हैबिट पड़नी चाहिए कि रात में बिना ब्रश किए नहीं सोएं, और अगर कहीं कोई दिक्कत लगती है तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर को दिखाएं। और प्लस बड़ों के लिए भी है कि रात में बिना ब्रश किए नहीं सोएं, सुबह भी ब्रश करें, और दिन में अच्छे से साफ़ सफाई रखें, और खाने का एक इंटरवल डिसाइड करना चाहिए। दिन भर ऐसा नहीं है कि आप खाते रहें और दांत नहीं साफ़ करें, उससे दांत की परेशानी ज़्यादा होगी। और मसूड़े, अगर कहीं भी ब्लड आता है या कोई भी कालापन दिखता है तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर को दिखाएं। और प्लस कोई भी नशीली चीज़ें, जैसे टोबैको है या किसी भी फॉर्म में, चाहे आप सिगरेट पी रहे हैं या आप मसाला खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। सुपारी बिल्कुल अवॉइड करें, नहीं तो उससे दिक्कत होगी। और अगर मुंह में कहीं सफ़ेद दाग या कोई दिक्कत लगती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं या कंसल्ट करें। और तुरंत ठंडा और गर्म का अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक कायदे से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना भी कार्बोनेटेड चीज़ें हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट है, जिसमें झाग होता है, वो आपके दांतों को नुकसान करता है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा चाय नुकसान करती है।